क्या आपको भी टमाटर में क्रैकिंग का मसला आ रहा है? अगर आपको भी ये मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद एग्रीम रेलवे स्टेशन का आपको वेलकम करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन भाइयों ने नहीं किया हुआ, और जो जिन्होंने किया हुआ है प्लीज़ वो लाइक करना ना भूलें और कमेंट किया करें। अगर आपको भी कोई इशू आ रहा है तो व्हाट्सएप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके इशू पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रैकिंग टमाटो के फ्रूट में एक बड़ा मसला है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वजूहात पे जाने से पहले मैं इसकी दो टाइप्स आपको बताता हूँ कि इसमें दो किस्म की क्रैकिंग आती है। रिसेंटली जो भाई ने मुझे तस्वीरें भेजी थी वो भी इसकी एक किस्म है। दो किस्म की ऐसे है कि आपको फ्रूट्स में जब क्रैकिंग का मसला आएगा तो वो दो टाइप्स में हो सकती हैं। एक को वर्टिकल क्रैकिंग कहते हैं, जो ऊपर से फ्रूट की जो जहाँ से फ्रूट जुड़ा होता है उससे उसकी बेस की तरफ जाती है, वर्टिकल क्रैकिंग उसे कहते हैं। और दूसरी जो है ना वो सर्कुलर होती है, जो जो ज़्यादातर आपके फ्रूट के जो ऊपर जो हेड होता है या जिसे शोल्डर कहते हैं, आपको वहाँ वो चीज़ नज़र आती है। तस्वीरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो वर्टिकल क्रैकिंग है ये क्रैकिंग ज़्यादा ख़तरनाक है, और वर्टिकल क्रैकिंग में आपको पेस्ट के इश्यूज भी आ सकते हैं और फ्रूट के ऊपर फंगल डिजीज़ का भी अटैक हो सकता है। लेकिन जो जिसे कंसंट्रेट और सर्कुलर क्रैकिंग भी कहते हैं, वो क्रैकिंग में जो है ना आपको ये मसाइल ज़रा कम आते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट अंदर से डैमेज नहीं होता, आपको ऊपर से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, बाकी फ्रूट इंटरनली सेफ रहता है। फार्मर और खाने वाले उसे खा सकते हैं, फार्मर उसे बेच भी सकता है, लेकिन प्राइस का मसाइल आपको आएंगे। अब ये जो क्रैकिंग है इसके पीछे रीजंस क्या हैं? अगर मैं रीजंस की बात करूं तो इसमें मल्टीपल रीजंस मौजूद हैं जिनकी वजह से क्रैकिंग हो सकती है। वन बाय वन अगर देखी जाए तो पहली जो रीज़न हमें नज़र आती है ज़्यादातर, वो आती है हमारी पानी की जो फ्लक्चुएशन हम देते हैं, जो हम वाटर फ्लक्चुएशंस करते हैं, उसकी वजह से अक्सर जो है ना टमाटरों में क्रैकिंग आती है। अब अनइवन जो पानी हम देते हैं उस ये इसकी एक रूट कॉज है, और अनइवन पानी की वजह से हमेशा ज़मीन का जो मॉइस्चर है वो डिस्टर्ब रहता है। और ऐसे भी हो, इसमें एक और रीज़न भी हो सकती है कि आप सडन बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग जो है ना ड्राई सीजन गुजरा, आपने पानी नहीं दिया और सडन से इसके ऊपर बारिश हो गई, तो वो भी वाटर की जो है एक अनइवन अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि हमेशा जो है ना मॉइस्चर की आपने कोशिश करनी है कि मॉइस्चर जो है ना टमाटो के प्लांट को जो मॉइस्चर है वो हमेशा मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहे और लो भी ना जाए। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़रूरत के हिसाब से और टाइम पे होनी चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन और गुजर जाए या पानी उसको बिल्कुल ही आप छोड़ दें, उसकी वजह से भी मसाइल आते हैं, और सडन आप पानी दे देते हैं या बारिश हो जाती है उसकी वजह से भी आपको क्रैकिंग आएगी। तो ये इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। सेकेंड रीज़न जो कहलाती है वो है जी ओवर वाटरिंग। जो अक्सर फार्मर्स जो है ना बहुत ज़्यादा टमाटो को पानी दे देते हैं, स्पेशली जब हम बहुत ज़्यादा पानी हार्वेस्टिंग के टाइम पे दें, मतलब जब फ्रूट अपनी मेच्योरिटी पे आ चुका है और आप उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, उस वक्त इसकी क्रैकिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। टमाटर को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर 95% पानी आपको नज़र आएगा, और जब ये मेच्योरिटी में आ जाता है तो ये आप उस वक्त इससे ज़्यादा पानी देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, और अब्जॉर्प्शन के बाद होगा क्या कि इसके ऊपर की जिल्द जो है ना वो एक हद तक
मेच्योर हुई होती है, वो साथ साथ और मेच्योरिटी साथ साथ लेती है। जब आप सडन पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करने की वजह से ये बस्टिंग शुरू कर देते हैं, क्रैकिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें ये स्प्लिट भी हो जाते हैं, फटते हैं और इनके जो है ना क्रैकिंग होती है। तीसरी बड़ी जो रीज़न जो ज़्यादा नज़र आती है वो आती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से। फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है। आप जब बहुत कम मिकदार में खुराक देंगे तब भी ये मसाइल आ सकते हैं। कैल्शियम इसकी एक मेन वजह हो सकती है, इसमें मैग्नीशियम भी हो सकती है, मोलिब्डेनम भी हो सकती है। ये देखिए, ये वो एलिमेंट्स हैं, जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फ्रूट की जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ बनाने में काम करते हैं। इनकी कमी आने की वजह से भी क्रैकिंग होती है। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी एक रीज़न, बड़ा रीज़न हो सकती है। जो चौथी बड़ी रीज़न हो सकती है वो हो सकती है जी पुअर ड्रेनेज। पुअर ड्रेनेज से क्या मतलब है जी? पुअर ड्रेनेज का मतलब है जी कि जब हम टमाटो को ऐसी ज़मीनों पर काश करें जहाँ पानी का निकास का निज़ाम ठीक ना हो, आप पानी लगा दें वहाँ पानी खड़ा रहे काफ़ी दिन तक, उन ज़मीनों पर भी क्रैकिंग के मसाइल आपको आएंगे। तो आप हमेशा, आपने ज़मीन का इंतखाब हमेशा टमाटो के लिए ऐसी ज़मीन का इंतखाब करना है जहाँ पानी खड़ा ना हो, वहाँ पानी जल्दी ड्रेन कर जाए, जल्दी नीचे उतर जाए। अगर आप ऐसी ज़मीनों पर पानी टमाटो को काश करेंगे जो हैवी होंगी और एसिडिक होंगी या हैवी ज़मीनें होंगी, तो वहाँ पर आपको जो है ना इसके मसाइल, क्रैकिंग के मसाइल आ सकते हैं। इसके बाद जो एक और बड़ी रीज़न हो सकती है, समटाइम्स सम केसेस में हम क्रैकिंग जो है ना वैरायटीज, ऐसी वैरायटीज काश कर लेते हैं जो क्रैकिंग जिनमें हो सकती है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसे रेजिस्टेंट वैरायटीज की सिलेक्शन करनी है जो क्रैकिंग, जो क्रैकिंग के अगेंस्ट स्ट्रांग हो। तो हमेशा वैरायटी को जब भी लगाएं, अगर आपके ज़मीन पे वो ये क्रैकिंग के मसाइल दे रही है तो उस वैरायटी से कोशिश करें कि अवॉइड करें। आपको उस वैरायटी के अंदर ये मसाइल हो भी सकते हैं कि वो क्रैकिंग उनमें पॉसिबल हो, कि वो ज़मीनों में कमज़ोर हो। तो ऐसी वैरायटीज़ जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं क्रैकिंग के अगेंस्ट, आप कोशिश करें जो ऐसी वैरायटीज़ हो उसको ढूंढें जो क्रैकिंग के अगेंस्ट स्ट्रांग हो। इसके बाद एक और मसला जो आ सकता है वो है जी एक्सपोज्ड फ्रूट को। जब टमाटर का फ्रूट सनलाइट को बहुत डायरेक्ट होगा, उसकी वजह से भी आपको एक मसला आता है जिसे हम ब्लॉसम एंड रॉट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसमें क्रैकिंग भी हो सकती है। तो आपको ऐसी वैरायटीज़ की सिलेक्शन करनी होगी जो कम से कम अपना फ्रूट जो है ना अपने पत्तों के अंदर छुपाने की सलाहियत रखती हो। तो एक्सपोज्ड फ्रूट जो है ना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ये थी जो कुछ रीजंस जिसकी वजह से आपको क्रैकिंग हो सकती है। इसके अलावा जो जो एक और रीज़न है वो ये है कि आपका जब मौसम में टम्परेचर इरेगुलर हो, स्पेशली अगर आपका दिन गर्म है और रात ठंडी है, तो उन केसेस में भी जब टेम्परेचर का डिफरेंस दिन और रात का ज़्यादा होगा, उन केसेस में भी क्रैकिंग पॉसिबल है कि आपके फ्रूट्स मेच्योर हो रहे हो और साथ ही फट रहे हो। तो क्रैकिंग मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकती है। ये कुछ बड़ी रीजंस थी जिसमें से मैंने आपको पहली वाली बताई कि आपने इरेगुलर जो अनइवन जो इरिगेशन है उसको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, कैल्शियम की कोशिश करें, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है उसको अवॉइड करें, कि कोशिश करें फर्टिलाइज़र की अच्छे तरीके से ग्रोथ कर, अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र दें, और वो फर्टिलाइज़र दें जिसमें कैल्शियम की अवेलेबिलिटी आपको मुनासिब मिल रही हो। तो ये कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से आपको क्रैकिंग हो के मसाइल आ सकते हैं। अगर आपके फील्ड में ये मसाइल आ रहे हैं तो कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको ये मसाइल नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ आगे भाइयों के साथ शेयर करें ताकि सब भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो हम याद रखें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।